तो फ्रेंड्स, ये लव फ्लेश प्लेयर का दूसरा पार्ट है। तो इस पार्ट को समझने से पहले आपको पहला पार्ट लव फ्लेश प्लेयर का समझना होगा, उसके बाद ही ये पार्ट देखें, क्योंकि हमारे जो वीडियो होते हैं पार्ट वाइज होते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टाइम जो होता है क्लाइंट कंप्यूटर का, वो सर्वर के पास चला जाता है। हमारा जो टाइम होता है वो सर्वर के पास चला जाता है। तो ये भी क्या होता है, एक तरह का इंफॉर्मेशन क्या जो यहाँ पर कैश मेमोरी के थ्रू होता है। तो वो बात आपको पता चल गई, कैश मेमोरी क्या होता है, कुकीज़ क्या होता है। तो पहले मैं आपको कहता हूँ कि कैश मेमोरी जो होती है हमारे सिस्टम की इमेज और फाइल जो सेव करनी होती है, और यहाँ पर कुकीज़ जो होती है हमारे वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या करता है, वो चेक करता है और हमारे सिस्टम के अंदर ऐड करता जाता है। और यहाँ पर मैं बात करूँगी कि ये दो चीज़ें किसी को ना बताए ना किसी को कहे, और हो सके तो इसको क्लियर करते जाए। मान लो कि मैंने आज मेरा इंटरनेट ख़त्म हो, इंटरनेट का काम मेरा पूरा हो गया, इंटरनेट पे कोई मुझे काम नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो क्लियर ब्राउजिंग डेटा कर सकते हो यहाँ पर। तो मैं पहले गूगल क्रोम के बारे में भी वीडियो बनाऊँगा, गूगल क्रोम क्या होता है, और ब्राउज़र के ऊपर मैं पूरा वीडियो लेकर आऊँगा कौन सा ब्राउज़र अच्छा होता है। कि तो मैं अभी फ्लैश प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फ्लैश प्लेयर पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो कि सेव इन्फॉर्मेशन किस तरह से करता है। तो वो कुकीज़ और कैश मेमोरी के थ्रू करता है। और यहाँ पर उसका जो तीसरा जो काम होता है वो फ्लैश प्लेयर मैनेजर के अंदर जो हमारे जो सॉफ्टवेयर की जो फाइल होती है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर सॉफ्टवेयर के थ्रू भी यहाँ पर सेव करता जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे जो सिस्टम के अंदर जो दूसरा जो ऑप्शन है, एक्स में बिफोर अलाउिंग न्यू साइट टू सेव इन्फॉर्मेशन ऑन दिस कंप्यूटर। तो मुझे कोई वेबसाइट जो की इन्फॉर्मेशन जो है और मेरे कंप्यूटर के अंदर सेव करना है, तो उसको क्या करना होगा, मुझसे परमिशन लेनी होगी। कौन किसको परमिशन लेनी होगी, एडोब फ्लैश प्लेयर को। तो एडोब फ्लैश प्लेयर में जब भी कोई नई वेबसाइट मैंने ओपन की गूगल क्रोम के अंदर, कोई भी गूगल क्रोम के अंदर मैंने नई वेबसाइट ओपन की, तो वो क्या करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन सेव करने के लिए एडोब फ्लैश प्लेयर मुझसे हमेशा परमिशन मांगता रहेगा। तो इसके लिए ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं तो अलाउ ही रखता हूँ, क्योंकि अगर अगर आप हर बार कोई नई नई वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो वो बार बार पूछता रहेगा। तो आपको मान लो कि कोई ऐसी अलाउ साइट सेव इन्फॉर्मेशन का, तो सेव इन्फॉर्मेशन मतलब कि वेबसाइट की आपकी जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर सेव करता जाएगा, तो इसका कोई मिस यूज नहीं होगा। फिर यहाँ पर देख लिखा है कि ब्लॉक ऑल साइट फ्रॉम स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन दिस कंप्यूटर। तो मान लो कि मैंने बहुत सारी वेबसाइट मैंने यूज़ की है, और ऐसी वेबसाइट है जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है, तो मुझे इस कंप्यूटर के अंदर कोई भी दूसरा, कोई मेरे अलावा कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आदमी हो, या कोई भी मेरा कोई कंप्यूटर यूज़ करने वाला हो और वो वेबसाइट ओपन करना चाहता है और मुझे नहीं करने देना है, तो मैं क्या करूँगा, तीसरा ऑप्शन मैं चूज़ कर लूँगा और मैं क्या करूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा। तो क्या हो जाएगा, वो जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा सेव किया हुआ वेबसाइट का, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सभी वेबसाइट के ऊपर वो ब्लॉक कर देगा। और ब्लॉक करने के बाद मैं जो कोई भी लिखूंगा, तो कोई भी मान लो कि मैंने 2 दिन पहले मैं फेसबुक ओपन किया, गूगल ओपन किया, फिर कोई वेबसाइट 3-4 ओपन की, तो इनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो जाएगी, जहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर का जो मैं सेव करने का स्टोरेज है वहाँ पर। और दूसरी चीज़ कि जब भी मैंने ये ऑप्शन ओपन ओपन कर दिया, मैंने स्टार्ट कर दिया, तो क्या करेगा, जो सेव की है इन्फॉर्मेशन जो क्या होगा, वो ब्लॉक लिस्ट में चली जाएगी और यहाँ पर ब्लॉक कर देगा उन सारी वेबसाइट को। तो मैं फेसबुक में भी नहीं ओपन कर पाऊँगा, लेकिन मुझे पता है कि कहाँ से उसको अलाउ करना है, तो मेरे अलावा वो कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह का होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी वेबसाइट हो, यहाँ पर कोई भी ऐसी वेबसाइट हो जो आपको ब्लॉक करने तो कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन उसको पहले आपको ओपन करना होगा, फिर बाद में उसकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, फिर बाद में क्या करना होगा, आपको उसको ब्लॉक करना होगा। लेकिन ब्लॉक करने के भी दूसरे और वेबसाइट करने के तरीके हैं, तो उसको मैं इथिकल हैकिंग के अंदर बताऊंगा किस तरह से ब्लॉक करना है वेबसाइट को, या तो फिर किस तरह से अलाउ करना है, तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पर लिखा है कि लोकल स्टोरेज सेटिंग साइट, तो यहाँ पर लोकल स्टोरेज सेटिंग साइट जो है यहाँ पर लिखा है, तो आप वेबसाइट की जो स्टोरेज होती है वो यहाँ पर बताया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। तो कोई भी आपको सेव करना है, कोई भी सेटिंग्स के अंदर कोई वेबसाइट सेव करनी है, तो वेबसाइट सेव कर सकते हो यहाँ पर। तो ये एडोब फ्लैश प्लेयर का काम है। तो मैंने लिखा कि डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट
मैं कोई भी लिखता हूँ, एक्स वाई जेड लिखा मैंने, और ये मैंने एक्स वाई जेड लिख कर मैंने डॉट कॉम लिख दिया और मैंने एंटर मारा, तो ये क्या हो गई, वेबसाइट स्टोर हो गई। मैंने क्या किया, स्टोरेज एक्सेस के अंदर ऐड कर दिया, मैं ऐड किया, जैसे मैं ऐड किया तो दूसरा भी वो क्या करेगा, पूछेगा, मतलब आस्क मी परमिशन वो पूछेगा, हमेशा पूछता रहेगा कि इसकी इन्फॉर्मेशन सेव करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से होता है। फिर यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे एक वेबसाइट मैंने सेव कर दी और पूछेगा, फिर जब भी वो वेबसाइट में ओपन करूँगा तो वो क्या करेगा हमारे सेटिंग्स के अंदर वो क्या सेट करता रहेगा हमेशा इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए। अब प्राइवेट ब्राउजिंग क्या होता है हमारा, कि मान लो कि आपको ब्राउज़र जो टेम्पररी कोई भी विथाउ सेविंग करने के लिए या तो कोई स्टोरेज रखना नहीं है, तो इसके लिए ये चीज़ होती है। लेकिन अभी मैं इसको यूज़ नहीं करता, इसके लिए वो एक्टिव नहीं है। तो आपको जो ज़्यादा कुछ पढ़ना तो यहाँ पे क्लिक करना और ऑनलाइन चला जाना है। तो मेरे पास कोई वेबसाइट के लिए अभी इंटरनेट मैंने यूज़ नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर लिखते तो कैमरा एंड माइक, तो कैमरा जो होता है हमारा और माइक, मतलब दूसरा ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हो कि मैं जो कैमरा जो होता है वो और माइक जो मेरे, मान लो कि स्काइप होता है तो स्काइप के अंदर किस तरह से करना है, और जब हमारा जो सिस्टम होता है जो हमारा कंप्यूटर जो होता है तो वो स्काइप क्या करता है, स्काइप हमारा जो दो चीज़ मांगता है, एक तो पहला माइक होता है और दूसरा होता है कैमरा। तो उसके लिए आपको जो स्काइप जो होता है, स्काइप होता है या फिर कोई भी हमारा ऑनलाइन चैटिंग करने का वेबसाइट होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो क्या करेगा। मैं पहले फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। तो आस्क मी व्हेन साइट वांट्स टू यूज कैमरा और माइक्रोफोन, तो रिकमेंडेड लिखा है यहाँ पर। तो जब भी वो क्या करेगा, मुझे यूज़ करना है कैमरा और माइक्रोफोन को, तो वो क्या मुझसे परमिशन मांगे, तो मुझसे परमिशन मांगे इसलिए मैंने पहला ही रखा। अगर आपको ये माइक्रोफोन और कैमरा को ब्लॉक करना है तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर कोई सेटिंग्स है तो आपको वेबसाइट को भी देख सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा है कि www.skype.com और मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया, तो वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, कैमरा चालू नहीं होने देगा और माइक्रोफोन भी बंद रखेगा। तो इससे क्या करेगा, मेरा कोई स्काइप जो ओपन करता है, मेरा कोई स्काइप ओपन करता है तो वो स्काइप का यूज़ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर इस तरह का सेटिंग्स होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीसरा जो ऑप्शन है हमारा सिस्टम के अंदर, प्लेबैक लिखा है। तो प्लेबैक क्या होता है कि हमारा जो पर असिस्टेंट जो नेटवर्क जो होता है हमारा, तो पेयर असिस्टेंट नेटवर्क क्या होता है, हम अपना जो मीडिया जो होता है हमारा, जो कोई फीचर्स होते हैं, तो जितने भी चैट होते हैं, हमारी कोई इन्फॉर्मेशन है, तो दूसरे कंप्यूटर के साथ आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो। तो ये पर एडिशनल आपको बैंडविड्थ, मतलब आपको स्पीड जो होता है यूज़ करेगा। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि उसको किस तरह का यूज़ करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको बताऊँ कि आस्क मी व्हेन साइट वांट टू पर असिस्टेंट नेटवर्क, तो जब भी वो क्या करेगा, कोई भी अभी नेटवर्क मेरे पास कनेक्ट नहीं है, तो मैं जब भी मैं नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाऊँगा तब भी वो क्या करेगा, मुझे किसी को यूज़ करना है कंप्यूटर के अंदर इनेबल स्मूथ। तो मान लो कि कोई मेरे कंप्यूटर के अंदर रिमोटली एक्सेस हो गया है और वो यूज़ कर रहा है रिमोटली एक्सेस करने के बाद वेबसाइट को, तो वो क्या करेगा, पूछेगा कि पर असिस्टेंट नेटवर्क के बारे में, अगर उसको भी ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर सकते हो। ओके, फिर अपडेट्स तो आपको पता ही होगा, तो ये अपडेट्स अभी कोई अवेलेबल नहीं है। तो अपडेट्स कब अवेलेबल होगा, जब भी हमारा जो कंप्यूटर के अंदर जो नेटवर्क इंटरनेट होगा तब ये ओपन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। तो अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर से भी मैं कहता हूँ कि नोटिफाई मी इंस्टॉल अपडेट पर ही क्लिक कर रखे, क्योंकि जब भी आपका कोई अपडेट होगा तो वो क्या करेगा, आपसे परमिशन मांगेगा, तो ऑटोमेटिकली अपडेट ना होता रहे तो इस पर ही रखे। अगर आपको चाहते हो कि ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है, आपको वो इंस्टॉल हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर क्लिक कर सकते हो। फिर एडवांस पर क्लिक करते हो, यहाँ पर क्या लिखा है कि ब्राउजिंग डेटा एंड सेटिंग्स, जो मैंने कहा था कि आपको जो लोकली जो डेटा होता है सेव लिखा है, सेव कोई भी डेटा स्टोरेज होता है सेव करके रखा आपने कोई चॉइस या आपने कोई सेटिंग सेव की है, तो यहाँ पर कोई भी आपका जो फ्लैश प्लेयर होता है तो आपको उसको ब्राउजर के साथ साथ डिलीट कर देना है, तो डिलीट कर सकते हो यहाँ पर इस तरह से। फिर डेवलपर टूल्स होता है यहाँ पर, तो डेवलपर टूल्स क्या होता है कि जो आप कोई डेवलप करना चाहते हो या कोई स्पेसिफाई करना चाहते हो कोई लोकेशन डेवलपमेंट टेस्टिंग के लिए, तो आप कर सकते हो।
तो मुझे कोई करना नहीं है, मुझे फोल्डर लोकेशन जो होती है हमारे सिस्टम के अंदर, तो कोई फोल्डर होता है, कोई फाइल होती है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको स्पेसिफाई कर सकते हो यहाँ पर। तो कोई ऐसा डेवलपिंग करने के लिए आपको फ्लैश प्लेयर कोई साथ कंपनी के साथ आपको कोई और अच्छी तरह से डेवलप करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ पर टेस्ट करने के लिए, तो डेवलपर टेस्टिंग के लिए होता है यहाँ पर। और यहाँ पर दूसरा तरह प्रोडक्ट कंटेंट होता है, प्रोडक्ट कंटेंट क्या होता है, ऐसा कंटेंट मतलब ऐसी कोई फाइल जो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको सेफ्टी देता है, तो आपको कोई आपको सेलिंग करना है कोई कंप्यूटर को या तो फिर डोनेट करना है, तो यहाँ पर आप लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हो कि फ्लैश प्लेयर क्या करता है, उसको प्रीवियसली व्यू करने के प्रोटेक्ट करता है वो, और उस कंटेंट को मूवीज हो या म्यूजिक हो तो आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर डी ऑथराइज करना होता है, तो आपको ये ऑनलाइन ही करना होगा, क्योंकि ये जो सेटिंग्स होते हैं पूरे के पूरे फ्लैश प्लेयर हमारा ऑनलाइन ही काम करता है, तो आपको पता चल गया होगा कि फ्लैश प्लेयर क्या करना। तो ओके करोगे तो यहाँ पर क्या करेगा, फ्लैश प्लेयर परमिशन मांगेगा कि आपको ऑथराइज करना है कंप्यूटर को, तो मुझे कोई करना नहीं है तो इसको मत कुछ करो यहाँ पर, अगर आपको डेवलप करना है तो कर सकते हो यहाँ पर या यहाँ पर। तो आपको पता चल गया कि ये एडोब फ्लैश प्लेयर क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारा जो फॉन्ट्स होता है हमारे सिस्टम के अंदर, तो फॉन्ट्स क्या होता है हमारा कंप्यूटर के अंदर, तो फॉन्ट्स भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमारा विंडोज़ के अंदर है, विंडोज एक्सपी के टाइम से आया। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर एडोब फ्लैश प्लेयर ना हो, तो एडोब फ्लैश प्लेयर क्यों नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा था कि पहले उसको ऑनलाइन आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा ऑनलाइन, बाद में ये फ्लैश प्लेयर अपडेट आ जाएगा। तो इस तरह से होता है हमारे सिस्टम के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर, आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप YouTube चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप YouTube चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको चला तो नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।